वहीं गरियाबंद के छुरा स्थित लक्ष्मी नारायण अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। दरअसल बीते 10 मई को कुल्हाड़ी घाट निवासी आदिवासी महिला की मौत हो गई थी। पीड़िता का इलाज इसी अस्पताल में चला था। आरोप था कि लापरवाही से महिला का ऑपरेशन किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने 22 मई को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं CMHO गार्गी यदु ने मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच कमेटी का गठन किया था, जिसे आरंभिक जांच में कई लापरवाही की पुष्टि की गई है। दल ने यह भी खुलासा किया है कि मृतिका का उपचार के दरमियान गर्भवती थी, जिसके प्रॉपर प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया जैसा CMHO मैडम के आदेश में है, तो लापरवाही पाई गई और उसके उपरांत 24 घंटे का उनको समय दिया गया जवाब देने के लिए। जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया तो आज हम लोग जो CMHO मैडम के आदेश अनुसार सील बंद। वो उनका NPA उनके में है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस सर, क्या डॉक्टर या किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, ऐसा अभी कोई कार्य सर। मृतक महिला के जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया है, मतलब प्रेगनेंसी जो थी वो अपने जगह में नहीं थी, वो ट्यूब में थी, जिसके कारण उसको कंप्लेंट।